नवय समय साराय स्वानुभूत्या स्पष्टे चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच। समय सार ग्रंथादिराज के ऊपर यहाँ शाश्वत तीर्थधाम सम्मेलन शिखर जी में गोष्ठी का आयोजन चल रहा है और प्रवर्तमान इस गोष्ठी में मेरा विषय है ज्ञानी और अज्ञानी। शब्द बहुत सरल है, यहाँ कौन ऐसा होगा जो ज्ञानी और अज्ञानी की बात नहीं जानता होगा। यहीं की क्या बात करें, यहाँ से बाहर निकल कर किसी किसी से बात करो तो कोई भी व्यक्ति फटाफट बता देता है कौन ज्ञानी है और कौन अज्ञानी है। कितना सरल सा विषय है, कौन ज्ञानी, जो पढ़ा लिखा हो ज्ञानी, एम ए है, पी एच डी है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, वकील है, सब ज्ञानी ही तो है, और जो बिना पढ़े लिखे हैं वो अज्ञानी है। लेकिन भाई ऐसा नहीं है, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति, हिंदी इंग्लिश भाषाओं के जानकार व्यक्ति जब दक्षिण भारत में जाते हैं तो वहां की भाषाएं बोलते हुए लोगों के सामने अपने आप को अज्ञानी महसूस करते हैं। कौन ज्ञानी है, कौन अज्ञानी है? हर व्यक्ति अपने अपने फील्ड में ज्ञानी हो सकता है, लेकिन दूसरे फील्ड में जाते ही वो अज्ञानी हो जाता है। एक सीए से पूछा जाए कि यार पेट में दर्द है, कौन सी दवाई दूं, बोलेगा हमें कुछ पता नहीं, इतना सा नहीं जानते, इतने बड़े सीए होकर मेरा फील्ड ही नहीं है। माने फील्ड की दृष्टि से ज्ञानी अज्ञानी की व्याख्या अलग हो जाती है। तो कौन ज्ञानी है? किताब इन्होंने बहुत पुस्तकें लिखी है, ये ज्ञानी है। ये बहुत अच्छे वक्ता है, ये ज्ञानी है। इनके प्रवचन सुनो, इनके उद्बोधन सुनो आप, ये ज्ञानी है। माने ज्ञानियों की व्याख्या हमारे को कैसी नजर आती है, जो मंच पर बैठे वो सब ज्ञानी और नीचे बैठे वो सब अज्ञानी। तालियां मत बजाओ। अरे आचार्यों ने कितनी व्याख्याएं की है ज्ञानी अज्ञानी के संदर्भ में। एक तरफ आचार्य देव ऐसा कहते हैं केवल ज्ञानी ज्ञानी और सारे छत्मस्त अज्ञानी, दूसरी तरफ इस तरह की व्याख्याएं करते हैं कि मुनिराज ज्ञानी और गृहस्थ अज्ञानी। एक तरफ ऐसी बात करते हैं आचार्य देव कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी और मिथ्या दृष्टि अज्ञानी, आत्मज्ञान ही ज्ञान है और शेष सभी अज्ञान। और इतना ही नहीं, आचार्य ने तो यहां तक बढ़ चढ़ करके बात कही है कि जिसमें ज्ञान मात्र है वो जीव मात्र ज्ञानी और पुद्गल आदि सब अज्ञानी। कौन से ज्ञानी अज्ञानी की बात करूं मैं, विषय तो इतना विस्तार से है, लेकिन भाई ये समय सार ग्रंथ है। प्रारंभ से ही अपने प्रवचनों में मैं यहां ये बात कहता आ रहा हूं कि आचार्य कुंदकुंद स्वामी जो बात कहते हैं ये सुनी सुनाई बात नहीं कहते, कुंदकुंदाचार्य की बातों में कुछ अलग बात होती है, ये अनुभव की बात कहकर के बताते हैं। क्या कह रहे हैं? ज्ञानी अज्ञानी की परिभाषा, गाथा नंबर 19 अज्ञानी की परिभाषा दी, ज्ञानी की परिभाषा दी गाथा नंबर 75। 19 नंबर की गाथा को उठा करके देखा कि अज्ञानी की परिभाषा में कुंदकुंदाचार्य देव क्या बात कहते हैं। जब गाथा को उठा करके देखते हैं तो वे ज्ञान की चर्चा ही नहीं करते। ज्ञान है या नहीं है, कितना ज्ञान है, कम ज्ञान है, अपने को जानता है, पर को जानता है, ज्ञान की बात ही नहीं करते हैं वे। ज्ञानी की परिभाषा और अज्ञानी की परिभाषा ज्ञान गुण के आधार पर नहीं, श्रद्धा गुण के आधार पर करते हैं। ये है कुंदकुंदाचार्य बात कर रहे हैं ज्ञानी अज्ञानी की। ज्ञानी अज्ञानी की परिभाषा बतलानी है और ज्ञान गुण की व्याख्या नहीं है, ज्ञान की पर्याय की व्याख्या नहीं है, ज्ञान की अपेक्षा से चर्चा नहीं है, जिसको कितना ज्ञान है इस बात की कोई व्याख्या नहीं है। तो व्याख्या क्या है? मैं कर्म हूं, नौ कर्म हूं, या है हमारे ये सभी, यह मान्यता जब तक रहे अज्ञानी है तब तक सभी। ये मान्यता जिसकी है वो अज्ञानी है। श्रद्धा की अपेक्षा से बात करते हैं। मैं कर्म हूं, मैं नौकर्म हूं। कर्म माने द्रव्य कर्म और भाव कर्म, और नौकर्म माने सारे संयोग। और व्याख्याकारों ने ऐसी व्याख्या की कि कर्म शब्द में घातिया कर्म लेना, घातिया कर्मों का उदय लेना, और नौकर्म में आघातिया का उदय लेना। ये मैं हूं और मेरेपन की जो मान्यता है यही मैं हूं, ये मेरे हैं, बोले ये अज्ञानी का लक्षण है। भाई साहब ज्ञानी का लक्षण बतलाया 75 नंबर गाथा में, बात तो वहां भी कर्म और नौकर्म की उन्होंने। व
वही बात जो 19 नंबर की गाथा में कर रहे हैं, वही बात 75 नंबर की गाथा में करते हुए कहते हैं। वे कहते हैं कर्म के परिणाम को, नौ कर्म के परिणाम को जो ना करे, ज्ञानी की परिभाषा। अब वहां करने की भाषा में बात कर रहे हैं। बैल मत बजाना भैया, आप ही बताऊं, जितना बोलूंगा मैं ही बोलूंगा, मेरे बारे में किसी को बोलना ही नहीं। कर्म के परिणाम को, नौ कर्म के परिणाम को जो ना करे, देखना वहां 19 नंबर की गाथा में कहा था मैं कर्म हूं नौ कर्म हूं, और 75 में कह रहे हैं कर्म और नौ कर्म को करे वो अज्ञानी, और जो मात्र जाने वो ज्ञानी। बात तो एक जैसी ही है, लेकिन वहां एकत्व और ममत्व बुद्धि की अपेक्षा से चर्चा की 19वीं गाथा में, 75वीं गाथा में कर्तृत्व की अपेक्षा से व्याख्या कर रहे हैं। देखो भाई, जितने वक्ताओं ने यहां मेरे से पहले बोला है, किसी की गाथा जीवा जीवाधिकार की थी और किसी की गाथा कर्ता कर्म अधिकार की थी, और यहां मेरी गाथा दोनों अधिकारों की है। एक जीवा जीवाधिकार की है 19वीं गाथा, 75वीं गाथा कर्ता कर्म अधिकार की है, और दोनों गाथाओं को जब देखते हैं तो मान्यता की अपेक्षा से बात कही है। सच्चाई यही है, कुंद कुंदाचार्य देव हृदय में बैठ करके अंदर में अनुभव की गहराइयों में उतर करके बात करते हैं कि भाई जब तक तेरी ये विपरीत मान्यता और उल्टी मान्यता बनी रहेगी, पर पदार्थों में एकत्व ममत्व बुद्धि बनी रहेगी, जब तक कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि बनी रहेगी, तब तक तू अज्ञानी रहेगा, और जब एकत्व ममत्व और कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि टूट जाएगी तो तू ज्ञानी हो जाएगा। माने ज्ञानी और अज्ञानी का निर्णय संयोगों से नहीं है, परिस्थिति से नहीं है, आपकी वक्तृत्व शैली से नहीं है, आपके लेखन से नहीं है, आपके ज्ञान से नहीं है, आपकी योग्यता से नहीं है। ज्ञानी और अज्ञानी का जो परिचय यहाँ कुंद कुंद स्वामी ने दिया है वो मान्यता से दिया है। क्या फर्क पड़ता है बाहर में किसकी परिस्थितियां कैसी हो। अरे ऐसी ऐसी व्याख्याएं की है हमारे आचार्यों ने, गुणभद्राचार्य देव ने तो ऐसा प्रयोग करके बतलाया, ज्ञानी के भी बाल सफेद होते हैं और अज्ञानी के भी बाल सफेद होते हैं। कोई फर्क है क्या? बाल तो दोनों के सफेद होते हैं, अज्ञानी के भी बाल सफेद हैं और ज्ञानी के भी सफेद हैं। लेकिन पता है क्या कहते हैं गुणभद्राचार्य वहां? वो ये कहते हैं फर्क है भाई साहब, पंडित साहब बहुत फर्क है। बोले क्या फर्क है? कि अज्ञानी के जो बाल सफेद हुए हैं उसकी जो काली माँ चले गई है, उनके बालों की काली माँ और कलुषता परिणामों में चले गई और ज्यादा परिणाम कलुषित हो गए, परिणाम कलुषित हो गए और बाल सफेद दिखाई देने लगे। तो फिर पूछा ज्ञानी के क्यों सफेद हो रहे हैं, क्या उसके भी कलुषित हो गए? बोले नहीं, ज्ञानी जीव का अंतरंग इतना निर्मल और उज्जवल हो गया है कि अंतरंग की उज्जवलता बाहर बालों से भी झलकने लगी। सब श्रद्धा का खेल है, सारा मान्यता का खेल है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी या श्रद्धा की अपेक्षा से ज्ञानी और अज्ञानी का बंटवारा करते हैं। हम सभी यदि अपनी श्रद्धा को बदले तो ज्ञानी होने में देर नहीं लगेगी। अज्ञानी को ज्ञानी बनने के लिए उठने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, गाथाएं कंठ पाठ करने की जरूरत नहीं है। यहां बैठे बैठे यदि आप अपनी मान्यता को अभी बदलते हैं तो विलास भाई अभी ज्ञानी हो सकते हैं। हम सभी अपने में अपना बन करके ज्ञानी बने, इसी भावना से बात करेंगे।